लाइट्स, कैमरा, एक्शन। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Come in. सर, मेरे लिए कोई ऑडिशन है? एम आई फिट फॉर एनी रोल? तू रोज रोज क्यों आ जाता है? तुझे बोला है ना कि अगर कुछ होगा तो मैसेज करेंगे, तू रोज रोज आएगा तो रोल नहीं मिलने वाला है। नहीं सर, वो क्या ना, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा एक बार पूछ लूँ। मैं यही पास में रहता हूँ, मैं तुरंत आ जाऊँगा ऑडिशन के लिए। हाँ हाँ ठीक है, चलो। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, एक्टिंग तो आती नहीं और एक्टर बनने चले। भाई बस थोड़ी देर पहले। अच्छा, कामरान कुछ अब एक ग्लास पानी देना यार। हाँ कामरान, आई यू ओके? हाँ मैं खाना लगाती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। कामरान, तुमने 2 महीने से घर का भाड़ा नहीं दिया और अब ये 3रा महीना चल रहा है, ऐसा कब तक चलेगा? जी अंकल, वो मैं ना पिछले महीने रेंट देने ही वाला था लेकिन बाबा की तबीयत खराब हो गई तो सारे पैसे गांव भेज दिए। बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया तो आपके 3 महीने का रेंट भी दे दूंगा और आगे का रेंट भी एडवांस में पे कर दूंगा। पहले पिछले 2 महीने का रेंट तो दो, बाकी का बाद में देखेंगे, और अगर इस बार भी पे नहीं कर पाए तो घर खाली कर देना। जी, ठीक है अंकल। 4 साल हो गए मुझे मुंबई आकर, अब तक सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहा हूं। कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो उसमें भी बस छोटा सा रोल और उससे जो पैसे आते हैं वो यूं खर्च हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। घर का किराया, माँ बाबूजी की उम्मीदें, कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। अब तो बस एक ही ऑप्शन है कि ये सब छोड़कर मैं वापस गांव लौट जाऊं। कम से कम इस रोज रोज के रिजेक्शन से छुटकारा तो मिलेगा। कामरान। हाँ? क्या हुआ तुझे? देख, मुझे पता है कुछ तो ठीक नहीं है, वरना तू ऐसे उदास नहीं होता, ऐसे रोता नहीं। सही कहा तूने, कुछ ठीक नहीं है। 4 साल हो गए मुझे मुंबई आकर लेकिन
लेकिन आज तक बस स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। मामा बाबूजी को लगता है कि उनका बेटा कुछ बनेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ तुझे ही पता है कि मेरी क्या हालत है। इस लैंडलॉर्ड ने कहा कि अगर इसमें रेंट नहीं दिया तो घर खाली कर देना। तुझसे भी पैसे लेके रखे हैं मैंने, ये सब कैसे मैनेज करूं यार। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ये सब छोड़ के वापस गांव जा रहा हूं। कामरान चुप हो जा। देख, आई नो अभी बहुत टेंशन है तेरी लाइफ में, लेकिन तू ऐसे हार मत मान। मैं हूं ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और तू बस मेहनत करना मत छोड़ और हिम्मत मत हार। और ये वापस जाने की बातें, ऐसा कुछ नहीं करेगा तू, समझा? अच्छा, अब खाना खा ले और फिर हम एक अच्छी सी मूवी देखते हैं और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, खाना खा ले प्लीज। घर देता का घर एका तूफान आला कोणी घर देता का? एक तूफान भिंती वाचून, छपरा वाचून, माणसाच्या माये वाचून, देवाच्या दये वाचून डोंगरा डोंगरा थिंडत आहे। जिथून कोणी उठवणार नाही अशी जागा ढूंढत आहे। कोणी घर देता का रे घर? कैसा है तू? मैं ठीक हूँ यार। यार महक, कल वो मूवी देखने के बाद ना मुझे बस वही सारे ख्याल आ रहे थे। और मैं जब दोपहर को सो रहा था तब मैंने वो सपना देखा और मैंने उस सपने में खुद को देखा। मैं तो ये सब छोड़कर जाने वाला था, लेकिन नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। अब तूने सही बात बोली है ना? महक आराम से, अब तूने सही बात बोली है ना? देख कामरान, आई नो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, लेकिन प्रॉब्लम से दूर जाके कुछ नहीं होगा ना। यू नीड टू फाइट बैक एंड आई नो यू विल फाइट बैक। हाँ यार, फाइट बैक तो करना ही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तक कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता तब तक मैं कहीं पे जॉब कर लूँ।
क्योंकि मेरा रोज का खर्चा, घर का किराया, इन सब के लिए पैसे चाहिए यार। और जब तक कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता, मैं कहीं पे जॉब कर लूं। ओके, ये आइडिया अच्छा है। एक काम करते हैं, मैं अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालती हूँ और तू तेरे हिसाब से ढूंढ कहीं पे काम। लेकिन देख, तुझे एक ऐसी जॉब ढूंढनी पड़ेगी जहाँ दिन में तुझे ऑडिशंस के लिए टाइम मिले और फिर तेरी जॉब का टाइम हो। हाँ यार, लेकिन ऐसी जॉब ढूंढना तो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी जॉब तो मुझे किसी क्लब या रेस्टोरेंट में ही मिलेगी। तू वो टेंशन मत ले, हो जाएगा। अभी कुछ खा लेते हैं। हाँ, मैंने जूस ऑर्डर ही किया है, वो बस आता ही होगा। ओके। अरे आ गया। थैंक यू। अरे क्या बात है भाई कामरान, कैसे हो? बस ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? मैं देखो एकदम फिट। और बेटा महक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ अंकल। क्या भाई, कहाँ हो तुम? हाँ बिल्कुल गायब। हाँ अंकल, वो बस थोड़ी टेंशन चल रही है ना, तो ज़्यादा बाहर नहीं निकलता मैं। अरे ये टेंशन ले तो सबको टेंशन दे के रखा हुआ है। हाँ टेंशन लेने से क्या होगा? हाँ अरे तुम इतनी मेहनत करते हो, काम करते हो, फिर वो जो ऊपर वाला है ना, उसने सबके नसीब में कुछ ना कुछ अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। हाँ अंकल, बस यही उम्मीद है कि उसने मेरे नसीब में भी कुछ अच्छा ही लिखा होगा। वो बिल कितना हुआ? एक मिनट। अरे विनोद भाई, इनका बिल कितना हुआ है? अरे जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। 3,350। 350। ये लीजिए अंकल। और यार तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये रहे तुम्हारे 150। थैंक यू अंकल। हाँ हाँ आते रहना बेटा। जी अंकल, ये वो पोस्टर पे जो मैनेजर की जॉब है, वो अभी भी अवेलेबल है क्या? हाँ, अरे वो पिछला वाला मैनेजर था ना, उसने परेशान करके रख दिया है। सुबह से शाम तक मुझे यहाँ बैठना पड़ता है उसके लिए। अब शाम से लेके रात देर तक कोई और तो चाहिए ना मैनेज करने के लिए। अंकल क्या ये जॉब मुझे मिल सकती है? तुझे? अरे तू तो एक्टर है भाई, तू ये सब क्या करेगा? अंकल वो क्या है ना, मुझे इस वक्त जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये जॉब मुझे मिल जाएगी तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी मुझ पर अंकल। प्लीज़ अंकल, तू कर पाएगा? आप मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया तो मैं एक महीने में जॉब छोड़ दूंगा, पक्का अंकल। प्लीज़ अंकल, प्लीज़। एक्टर है यार, सॉरी। थैंक यू अंकल। कामरान शाम को 6 बजे शॉप पहुंच जाना। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच, मैं पक्का आ जाऊंगा। खुश रहो, ऑल द बेस्ट। Thank you.
हेलो, एम आई स्पीकिंग टू कामरान? यस, आप कौन बोल रहे हैं? कामरान, मैं महेश खन्ना बोल रहा हूँ। जी जी सर, बोलिए ना। अभी दो दिन पहले तुमने मेरे ऑफिस में आकर ऑडिशन दिया, तो बस उसी सिलसिले में तुमसे बात करनी थी। जी सर, कहिए ना सर। आई एम सो सॉरी सर, मैंने आपकी आवाज़ नहीं पहचानी। कहिए ना सर। ओके कामरान, मैंने तुम्हारा ऑडिशन देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और अब मैं तुमसे सिर्फ दो सवाल करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। जी जी सर, पूछे ना सर। पहला सवाल ये कि जितनी अच्छी तरीके से तुमने ऑडिशन दिया था, क्या उतनी ही अच्छी तरीके से हर सीन में एक्ट कर पाओगे? जी सर, बिल्कुल करूँगा। गुड। और दूसरा सवाल ये कि मेरी आने वाली फिल्म में एज अ लीड काम करोगे? ये सर, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच सर। तो फिर ठीक है, आ जाओ ऑफिस में, मिलके बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर, बस अभी आता हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किसका कॉल था? महेश खन्ना का फोन था, उसने मुझे फिल्म ऑफर की है। यस। सर ने आपको अंदर बुलाया। एंड द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर गोज टू कामरान। कैमरा रेडी है ना? या मैम, इट्स रेडी। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो कामरान, लास्ट टू क्वेश्चंस। आपके इस जर्नी के बारे में हमें बताइए और आपके नाम का मतलब बताइए। मेरी जो ये जर्नी रही है, मेरा ये सफ़र काफ़ी एक्साइटिंग रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद भी की है। एक समय ऐसा था जब मैं सब कुछ छोड़ कर जाने वाला था, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और जहाँ तक मेरे नाम का सवाल है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस सफ़र के बाद जो सक्सेस मुझे मिली है, ये सक्सेस ही है कामरान।